नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुनिया के 10 ऐसे देश हैं जहां पे आज तक सैलरी पे टैक्स नहीं लगता है। जी हाँ, यहां पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आपको लिए जानना जरूरी है कि आप लोग यूरोप के देशों में भागने की कोशिश करते हैं जॉब से रिलेटेड, लेकिन आपको क्या पता है कि आपकी सैलरी पे कितना टैक्स लगता है वहां पे? जी हाँ, इस बात को पता होना चाहिए। लेकिन 10 ऐसे देश हैं जहां पे आप अगर 1 लाख रुपये, 5 लाख, 10 लाख रुपये महीने का कमाते हैं तो आपका कोई भी टैक्स, एकदम फ्री टैक्स कंट्री है, कोई टैक्स आपका नहीं लगता है। जबकि बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं वो बिजनेस आप करते हैं उस पर भी टैक्स नहीं लेती है। जी हाँ, पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 कंट्रियों के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि सैलरी पे कौन से ऐसे 10 देश हैं जिस पे सैलरी पे टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि इंडिया में वही टैक्स लगता है, आपको पता है, 5% से लेकर 30% तक। जी हाँ, 10 लाख से ऊपर होते ही, 20 लाख से ऊपर होते ही 30% तक सैलरी पे टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यूएई, दुबई। जी हाँ, टैक्स फ्री ऑल वर्ल्ड इन अगर कंट्री की बात करें टैक्स फ्री कंट्री की, तो सबसे पहले नाम आता है यूएई का। यूएई में आपको पता होगा साथियों सैलरी पे टैक्स नहीं लगता है अब तक की अगर बात करें तो। हालांकि वेट लगता है, बहुत सारे लोग आप कमेंट करेंगे वो वेट लगता है, पहले वेट भी, अभी 2018 के बाद में शायद शुरुआत की थी वेट का, पहले वेट भी नहीं लगता था, टैक्स टोटल फ्री होता था, सामान पर भी टैक्स नहीं लगता। अब तो मान लो आप 100 दिरहम की चीज़ कोई खरीदते हैं तो 105 दिरहम देना पड़ता है, यानी टैक्स लगा दिया। लेकिन अब तक सैलरी पे कोई टैक्स नहीं लगता, आप जितना पैसा कमाते हैं इंडिया आप भेजते हैं वो बिल्कुल जितना मिलता है उतना ही मिलता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं साथियों बहरीन। जी हाँ भाई, बहरीन तो सरकार एक ऐसी इतनी अच्छी फैसिलिटी आपको दे रही है, आप कॉर्पोरेट यानी बिजनेस भी करते हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगाती है, सैलरी पर टैक्स की तो दूर की बात है, सैलरी भी टैक्स फ्री कंट्री आती है। जी हाँ, हालांकि बहरीन में सोशल सिक्योरिटी के तौर पर टैक्स देना पड़ता है आपको, कॉर्पोरेट की बात करें तो 9% है, सैलरी की बात करें तो 6% है, लेकिन वो सोशल सिक्योरिटी के नाम से लिया जाता है। इसमें आपको सैलरी पे टैक्स वैसे नहीं कटता है कि आप इतने कमा रहे हैं जैसे इंडिया में कटता है, आपको इतना पैसा हमें देना पड़ेगा, तो ऐसा रूल बहरीन में नहीं। 3 नंबर पे बात कर लेते हैं साथियों बुरनेई। जी हाँ भाई, बुरनेई भी एक ऐसी कंट्री है कि वहां पे टैक्स फ्री है, टैक्स सैलरी पे नहीं लगता, आप जितना पैसा कमाओगे उतना आपको मिल जाएगा बिना टैक्स के। जी हाँ, लेकिन अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई गाड़ी वगैरह परचेज करते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अगले अगर बात करें 4 नंबर पे तो बरबुंडा। जी हाँ, बरबुंडा हालांकि एक कंट्री नहीं है, ये ब्रिटेन का एक अधिकार क्षेत्र है, उस पर भी टैक्स फ्री कंट्री है, वहाँ पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है बरबुंडा की अगर बात करें तो। आगे अगर बात करें 5 नंबर पर मोनाको। मोनाको एक सस्ती कंट्री भी आपने देखा होगा, टैक्स फ्री कंट्री है। जी हाँ, वहाँ पर सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता है और आप मानो 6 महीने के बाद वहां पे आपको नागरिकता भी आसानी से मिल जाती है, उसके बाद में सभी प्रकार के टैक्स आपके फ्री हो जाते हैं। तो ये भी आपको एक बेनिफिट मोनाको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए तो आपको बेहतरीन मौका मिल सकता है। नंबर पे बात करें साथियों ओमान। जी हाँ भाई, ओमान में भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी टैक्स फ्री है, कोई बिजनेस आप करोगे टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ पे आपको पता है बिजनेस में 40% तक इंडिया में टैक्स देना पड़ता है और बाकी भाई यूरोप के सब देशों में देना पड़ता है, ये जो 10 देश है ना इनको छोड़ के बाकी सब देशों में टैक्स देना पड़ता है। अब नीचे लोग कमेंट करेंगे सरकार में भारत सरकार बहुत टैक्स लेती है, भाई भारत सरकार से तो बड़ी बड़ी जो इंडिया के सामने बहुत बड़े देश हैं जिनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा, वो भी ज्यादा टैक्स लेते। हालांकि ओमान में सैलरी पे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। संपत्ति भी अगर आप परचेज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो भी टैक्स फ्री है, उसके ऊपर कोई चार्जेज नहीं लगते हैं। आगे अगर 7 नंबर पॉइंट की बात करें तो साथियों कुवैत में आपको पता है भाई सबसे ज्यादा तेल पेट्रोल निकलता है वहां पे, दुनिया का 6% रिजर्व है अगर पेट्रोल की बात करें तो कुवैत के पास है, और कुवैत का पूरा डिपेंडेंट किस पे है, पेट्रोल पे डिपेंडेंट है, आय का 90% हिस्सा पेट्रोल से निकलता है। इसलिए आपको पता है सरकार के पास अगर इनकम ऑफ सोर्स अलग से है तो फिर वो सैलरी पे टैक्स क्यों लगाएगी, तो कुवैत में भी आपकी जितनी सैलरी है कोई टैक्स नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। आगे हम बात कर लेते हैं कतर की। 8 नंबर पे कतर में भी आपको पता है भैया सैलरी बिल्कुल टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगता है, बाकी में टैक्स देना पड़ता है 5% या अलग तरीके से। आपको पता है कुवैत में, सऊदी में, दुबई में या फिर कतर में भी टैक्स लगा दिया गया है, वेट अगर बात करें वेट की तो वो 5% लगा दिया गया है, बाकी सैलरी बिल्कुल फ्री है। वहाँ से कंट्री आप सबको पता है वहाँ पे सैलरी पे भी टैक्स नहीं लगता है, कॉर्पोरेट बिजनेस करते हैं या और भी कोई काम करते हैं तो बिल्कुल टैक्स फ्री है, कोई टैक्स आपका नहीं देना पड़ता। अगर बात करें सऊदी अरबिया की, सऊदी अरबिया में आपको पता है भैया तेल और गैस के मामले में सबसे बड़ा भंडार सऊदी अरबिया के पास है, और आपको पता है वहाँ पर भी सैलरी को इतना इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं जाता, वहाँ पर भी सैलरी के कोई भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल फ्री ऑफ टैक्स कंट्री है। जी हाँ, तो ये 10 कंट्री मैंने ऐसी बताई हैं जो दुनिया के अंदर हैं जो सैलरी पे टैक्स फ्री कंट्री हैं। बाकी आप कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप कोई भी देश चले जाओ, वहाँ पे आपकी जितनी पैसा कमाओगे उसका सैलरी आपको टैक्स देना पड़ेगा 27%, 36%, 40% तक
यूरोपीय देश आपकी सैलरी से टैक्स काट लेते हैं। जी हाँ, हालांकि आप वहाँ पे कमाने जाते हैं लेकिन टैक्स वो काटते हैं, वो वहाँ की पॉलिसी बनी हुई है। तो आप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय